हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फाइव जो कि लव अक्रॉस द डेजर्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको पढ़ रहे थे। अब हम आगे से पढ़ते हैं। देयर वॉज नो लिमिट टू द चैग्रीन। अब उसके चालाकी का कोई अंत नहीं था। जम्मन वॉज द चीफ। जम्मन इसमें मुख्य था। द मैन हु कैप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी। जिस व्यक्ति ने रेंजर्स को यानी कि सिपाहियों को सीमा के पार लगाया था वह खुश था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वाज रनिंग द गंटलेट विद द ला। ऐसा माना जाता था कि जो कोई व्यक्ति भी रण क्षेत्र को बिना उसकी अनुमति के पार करेगा वह कानून का विरोधी माना जाएगा। एंड हेयर दिस फ्लेजलिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज ए वर्ड टू हिम। और यहाँ पे उसका एक शब्द से भी ज़्यादा अपमान किया गया था। और ए सलाम, या फिर यहाँ पे आके उसको सलाम करना पड़ता था। और ए 100 रुपी नोट, या उसे 100 रुपये का नोट देना पड़ता था। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस। भगवान करे अल्लाह उसे सुरक्षित वापस लेकर आए। सेड द ओल्ड रोग्यू पोइजली। जो यह वृद्ध बदतमीज व्यक्ति था यह ऐसा कहा करता था। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इसका जो अर्थ होता था वह बिल्कुल इसके विपरीत होता था। थॉट आफ्ताब। आफ्ताब ने सोचा नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू शी नाजब टर्न इन टू कैरियन विद वॉलंटियर्स हॉवरिंग अराउंड। आफ्ताब जानता था कि इसको ज़्यादा खुशी उस समय मिलेगी जब नाजब को चारों तरफ से वहाँ के सिपाहियों के द्वारा घेर लिया जाएगा। ये जो दिखा रहा है ये इसका ऊपरी दिखावा है। डोंट वरी जम्मन। जम्मन तुम चिंता मत करो। अल्लाह विल सी हिम थ्रो। अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। ही सैड टेस्टिली। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा। एंड बैंगड द डोर इन द स्मगलर्स फेस। और उसने उस स्मगलर के चेहरे पर ज़ोर से दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। एज जम्मन स्टार्कड ऑफ। जैसे ही जम्मन वहाँ से गया आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केप्ड टू हिज वाइफ। जैसे ही जम्मन वहाँ से गया आफ्ताब अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने के लिए गया। शी वुड फेंट। यह सुनकर वह बेहोश हो गई। ही थॉट। उसने सोचा कि यह सुनकर वह बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्रंचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल। उसने देखा कि उसकी पत्नी यानी कि नाजब की जो माँ थी वह एक गारे मिट्टी की दीवार से सटकर खड़ी थी। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज। जब आफ्ताब ने उसको ये बात बताई तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वंस एक बार भी। शी वाज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्सपिरेसी अलोंग विद हर सन। क्योंकि वह अपने पुत्र के साथ इस घटना में पूरी तरह शामिल थी। एंड नेवर इवन ब्रीथड अ वर्ड अबाउट इट। और वह इस घटना के बारे में उसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला था। हिज आई फेल ऑन हर बेयर आर्म। तभी आफ्ताब की निगाह उसके नंगे हाथ पर गई। वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वूमन। अरे पागल औरत, जो मेरे पिताजी ने शादी में तुम्हें सोने का कंगन दिया था वो कहाँ है। यू नीड नॉट वरी नाजब विल रिटर्न विद क्लोव्स। तुम चिंता मत करो, नाजब कुछ लोंग लेकर ही वापस लौटेगा। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप्ट अ ब्रिस्क पेस। जो वहाँ पर अल्लाह रखा जो बांधा गया था वह एक शांत स्थान पर बांधा गया था। अ स्ट्रॉन्ग साउथ वाइंड ड्रोव द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैंक इन टू नाजब्स नोज स्ट्रिल्स। जब नाजब वहाँ चल रहा था तो उड़ती हुई धूल उसके नाक के नथुनों में जा रही थी। देखिए यहाँ पर जो ये नोज स्ट्रिल वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है नाक के नथुने। ही फॉलोड द स्टार्स। वह रात्रि के समय रण क्षेत्र को पार कर रहा था। द मिल्की वे फ्लैक्ड विद मिका द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ। उसने देखा चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी उत्तर की तरफ। बिफोर डॉन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। दिन निकलने से पहले ही वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच चुका था। फोर एसेंडी एलिवेशन Palisaded with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarvela. जब उसने वहाँ पे मरे हुए पशुओं की हड्डियों का ढेर देखा तो इससे उसे पता चल गया कि वह अब सरवेला आ पहुँचा है। Over 20 miles from काला डूंगर, जो कि काला डूंगर से लगभग 20 मील की दूरी पर था। He was already beyond the international boundary. वह पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुका था।
हेयर ही रेस्टेड, यहाँ पे उसने कुछ देर आराम किया। ड्यूरिंग डे लाइट, दिन के प्रकाश के दौरान मूवमेंट वाज इम्पॉसिबल, वहाँ पे कोई भी कार्यविधि करना असंभव था। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स, हमारे भारतीय जो सिपाही थे वो अपने बांस के बने हुए टावरों से देख रहे थे। एंड इन द हीट, और दोपहर के समय एवरीथिंग बिकम अ मिरेज, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, वहाँ पे धधकती धूप के कारण पानी की कमी दिखाई दे रही थी। ए फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रोव, वहाँ चारों तरफ कोई हरा पौधा नहीं था, केवल कैक्टस के पौधे को छोड़कर, क्योंकि कैक्टस का पौधा बिना पानी के ही उगता है। एंड ए कैमल लुक्ड लाइक ए ह्यूज प्रे हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव, और वहाँ पे जानवरों में केवल एक ऊँट ही देखा जा सकता था जो बिना पानी पिए कई दिनों तक रेगिस्तान में रह सकता है। एनी मूवमेंट वाज श्योर टू बी नोटिस्ड थ्रू बाइनाकुलर्स, वहाँ के दूरबीनों के द्वारा कोई भी गतिविधि का पूरा ब्यौरा लिया जा सकता था। देखिए यहाँ पे जो ये बाइनोकुलर से इसका मतलब होता है दूरबीन। वहन द सन केम अप, जैसे ही सूरज ऊपर उठा, नाजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज छागल, जैसे ही सूर्य ऊपर उठा, नाजब ने अपना पहला पानी का घूंट लिया अपनी छागल में से। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, दोपहर में उसने अपना पहला भोजन खाया। ड्राई स्टेल ब्रेड विद ऑनियन, एक सूखी बासी रोटी प्याज के साथ। बाई नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक ए वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, अब वह फातिमा के विचारों में खो गया। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम, अब उनके मिलने में एक पूरी रात बाकी थी। ही थॉट, वह उसने सोचा। एंड द डिस्टेंस वाज लेस देन 10 miles, और अब उनकी जो दूरी थी वो मात्र 10 miles की बची थी। द थॉट ऑफ इट मेड हिम रिथ इवन एज द सन स्टार्टेड हीटिंग इट्स हैमर ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट, जैसे जैसे वह उसके ख्यालों में खोता जा रहा था वैसे वैसे सूर्य की गर्मी और रेगिस्तान आगे बढ़ता जा रहा था। ए वीप ऑफ द टेंजी साउथ वाइंड कोट हिज नोजिस्ट्रिल अगेन, तभी दक्षिणी तरफ से आने वाली तेज हवाओं ने उसके नथुनों को रेत से भर दिया। बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार, इट ब्रॉट विद इट ए थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड, लेकिन अब की बार यह हवा अपने साथ एक काला बादल लेकर आई। पेचेज ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स, और यह उस धूल भरी आंधी में ऐसे लगने लगा जैसे मछली के ऊपर बने कुछ निशान हों। विथिन एन आवर, एक ही घंटे के अंतर्गत, दिस कॉरुगेटेड क्लाउड हैड कवर्ड अ सब्सटेंटल पोर्शन ऑफ द स्काई, इस गहरे बादल ने पूरे आकाश को घेर लिया। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ वाइंड रिपल्ड सैंड, ये पूरा संसार एक हवा से प्रतिबंधित धूल भरा बादल दिखने लगा। यस, हाँ, दिस वॉज द टाइम, यही वह समय था। ही गोट अप, जब वह उठा। एंड शुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, और उसने अपनी पगड़ी से अपनी धूल को झाड़ा। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल ही थॉट दैट अल्लाह रखा वाज लुकिंग एट हिम क्विजिकली, जैसे ही वह अपने ऊँट को लेकर चला उसे ऐसा लगा जैसे ऊँट उसकी तरफ, जो अल्लाह रखा था उसकी तरफ देख रहा था। एज इफ आस्किंग व्हाट द हेल, जैसे वह कहना चाह रहा हो ये क्या बात है। ही वाज अप टू, कि उसे ऊपर छोड़ दिया गया है। एट वन लेवल ऑफ कंसीसियसनेस ही न्यू दैट, उत्सुकता के वश वह ये जानता था दैट कि दिस वाज मैडनेस, यह मात्र पागलपन है। ही न्यू ऑफ ओवरवर्कड कैमल्स डेइंग ऑफ फैटिग्यू, वह जानता था ऐसे ज़्यादा काम करने वाले ऊँटों को जो कि अपने भूख के कारण मारे जाते हैं। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ द BSF, और BSF की जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है उनके द्वारा। एंड द इंडस रेंजर्स, और जो भारतीय सैनिक होते हैं उनके द्वारा। एंड द मिरेज चेकर्ड, और जो सीमा पार सिपाही होते हैं उनके द्वारा। ट्रैकल्स वेस्ट ऑफ द डेजर्ट, और ये रेगिस्तान के आर पार पाए जाते हैं। बट ही सकम्बड टू अ रश ऑफ ब्लड, लेकिन उसके अंदर खून खोल रहा था। एंड द फेस ऑफ फातिमा बैकंड हिमलाई के मिराज, और उसके चेहरे पर या उसकी आँखों में फातिमा का चेहरा ही घूम रहा था। नाजब क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066, अब नाजब ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिलर नंबर 1066 पार कर लिया था। ही न्यू द ट्रैक,
वह रास्ता जानता था, ही हैड टू टेक, जो उसे आगे जिस पर चलना था। बाई सेक्टिंग द टू पोस्ट ऑफ द इंडस रेंजर्स एट जगत राय एंड विगनूर, उसे इस रास्ते से होते हुए दो भारतीय सिपाहियों की पोस्ट पार करनी थी, एक जगतराई और दूसरी विंगोर। बट ही स्ट्रेड एवर सो स्लाइटली, लेकिन वह वहाँ से इतना धीमी गति से निकला, एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर, और उनके उस देखने वाले वॉच टावर पर से देसा उन्होंने देखा, थ्रो देयर बाइनोकुलर्स, अपने दूरबीनों से, दिस स्लीक कीमल, यह छोटा सा प्राणी ऊँट, वार्प्ड एंड डिस्टोर्टेड बाय द हीट, सिमर इनटू ए लंबरिंग लेवियाथन, की जो ये ऊँट था यही इस जंगल का लेवियाथन था, क्योंकि इतनी रेत में केवल यह ऊँट ही चल सकता था। एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद टेंडू लीफ, उन्होंने देखा कि एक भारतीय व्यक्ति तेंदू के पत्ते लेकर वहाँ से जा रहा था, राइट अंडर देयर नोजेज, बिल्कुल उनकी नाक के नीचे से, एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी, और उसने इसके बदले में पैसे भी नहीं चुकाए हैं। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, वो इसके लिए रुक नहीं सकते थे। नाजबवाज इन ए ट्रेंस, नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिंगर्स ऑन ए स्क्रीन, अब नाजब जो था वह रास्ते में था, अब पिछली बातें उस पर उंगलियों को रखते ही जैसे स्क्रीन सामने आती है, ऐसे सारी बातें सामने आ रही थी। द माइल लॉन्ग केश, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, अब पीछे से गोलियों की बौछार होने लगी, द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड, सारी जो गोलियां थी वो मिट्टी में जाकर घुसने लगी, एंड देन द राइजिंग वाइंड, और फिर मिट्टी उड़ने लगी, विच चूर्न द डस्ट इन टू हिज आइज, ये गोलियों से उड़ने वाली मिट्टी नाजब की आंखों में जाने लगी, एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, और फिर शिकार और शिकारी के बीच में ये मिट्टी धुंधलाहट के रूप में आने लगी। व्हेन द डस्ट सेटल्ड, जैसे ही ये मिट्टी थमी, हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, ही वाज एलोन इन द रण, नाजब ने अपने आप को रण क्षेत्र में अकेला पाया। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन ए डेज, और अगले कुछ घंटे इसी लुका छुपी में बीते, ही वाज मोर्टली सेकर्ड दैट, वह पूरी तरह से इस बात से भयभीत था कि अल्लाह रखा मैं डाई ऑफ फोर्टिग्यू, कि लगता है कि अल्लाह रखा जो है भूख से मारा जाएगा। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन, अपना यह भार दूर करने के लिए, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, वह उस पर से उतर गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसके साथ साथ चलने लगा। विथ इन एन आवर, एक ही घंटे में, द सेल हैड स्क्रैप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट एंड सेकर्ड दैम विद एगोनाइजिंग क्रैक्स, उसने देखा कि एक ही घंटे के अंदर ऊँट के पैरों में कुछ दरारें पड़ गई। अंडर ए हॉट टिन स्काई, उस जलते हुए आकाश के नीचे, द रण वाज ब्लेजिंग नाउ, अब रण क्षेत्र पूरी तरह जल रहा था। थ्रोविंग अप वाइल नीडल्स, वह अपनी ज्वालाओं के रूप में, अपनी फ्लेम्स यानी कि अपनी ज्वाला के रूप में, ऐसे लग रहा था जैसे चुभने वाली सुई फेंक रहा था। विच हर्ट द आइज, जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा रही थी। एंड एज द रण पैल्पिएटेड, और जैसे ही ये रण क्षेत्र धधक रहा था, इट हंटेड हिम विद इट्स मिरर्स, इसने अपनी तपत से नाजब को भी पूरी तरह से परास्त कर दिया। पूल्स ऑफ शेडो, छाया के तालाब, स्कूप्ड हाफ मून ऑफ वाटर, कहीं पे उसको चांदनी रात दिखाई नहीं दी। आवर्स ऑफ वंडरिंग एज इफ इन ट्रेंस, उसी रास्ते पर काफ़ी घंटे तक घूमने के बाद, अटेम्प्टिंग टू लिक द रिसीडिंग एजेज ऑफ द मिराज, वह इस भूमि के अंत तक आ पहुँचा। देन लाइट थिंगनिंग अवे, उसके बाद उसे कुछ चमकती हुई लाइटें दिखीं। एंड एन आवर और टू लेटर, और एक या दो घंटे के बाद, डस्क, बिल्कुल गोधुली का समय हो गया यानी शाम का समय हो गया। एंड ए थिन प्लम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, और उसने देखा कि पास में से ही गोबर की आग में से धुआं निकल रहा था। अल्लाह बी प्रेज्ड, शायद अल्लाह उससे खुश हुआ। ही वाज नाउ विद इन रेंज, अब उसे लगने लगा कि वह सीमा के आसपास ही पहुंच चुका है। ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड, उसने रात बिताने का निश्चय किया। एंड देन स्ट्रक ऑफ आउट होबलिंग ऑन हिज टूज, फिर वह अपने अंगूठों के बल बैठ गया। फॉर दिस डेजर्ट ओडीसी, इस रेगिस्तान में, एंड कोस्ट हिम हिज हिल्स, और अपनी एडियों के बल बैठा रहा। विथ इन एन आवर ही वाज एट द क्लोव सेलर्स डोर, एक घंटे के अंदर ही वह उस लॉन्ग विक्रेता के घर पहुँच गया था।
फातिमा रोज़ फ्रॉम हर बेड लाई के पैनिक। अचानक फातिमा आवाज़ सुनकर अपने बिस्तर से उठी। डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम, उसे ऐसा लगा जैसे नाजब ने उसका नाम पुकारा हो। सॉफ्टली धीरे से दो द विंडो बार्स, खिड़की के दरवाजे से। इट टुक सम अनएक्सियस मोमेंट फॉर इट, उसके लिए यह कुछ चिंतित क्षण थे। टू सिंक इन दैट इट वाज नाजब, उसे ऐसा लगा जैसे वह नाजब था। हर लस्टरस आइज लिट अप, तभी उसकी चमकीली आंखें चमकने लगी। द डार्क ऑफ द रूम एज शी ओपन्ड द डोर, जैसे ही कमरे में अंधेरा था जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कमरे में रोशनी हो गई। टू आवर्स बिफोर डॉन, दिन निकलने के दो घंटे पहले ही काले शाह वाज वोकन अप बाई द बीट कॉन्स्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर, काले शाह को दरवाज़ा खटखटाते हुए एक सिपाही के द्वारा जगाया गया। ए स्मगलर हैज कम अक्रॉस द रण, उसने बताया कि एक स्मगलर रण क्षेत्र को पार करके आ गया है। काले शाह, यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? कसम तुम्हारी, नोट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे घर में तो एक चिड़िया तक प्रवेश नहीं कर सकती, और द विलेज, और ना ही मेरे गाँव में। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, यहाँ तक कि आज रात को तो कोई कुत्ता भी नहीं भौंका। देन ही एडेड विद अ नोविंग विंक, तभी उसने ये जानते हुए अपनी बात को कहा, व्हाई शुड अ स्मगलर कम टू मी, तो फिर एक स्मगलर मेरे पास क्यों आएगा। बट द लॉ वाज नॉट अम्यूज, लेकिन जो कानून है वो आश्चर्यचकित नहीं था। काले शाह, ही सैड सार्डोनिकली, उसने बहुत आश्चर्य से कहा, योवर बैली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर, तुम्हारा जो पेट है वो चांदी से भरा हुआ है। इट वुड आउट वेट इवन द डर्ट इन योवर हर्ट, अगर बाहर से देखा जाए तो तुम्हारे हृदय में मिट्टी भरी हुई है। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड्स रेटल्ड लाइक ए सैक ऑफ एम्प्टी कैंस इन हिज हेड, उस सिपाही के शब्द उसे खाली कैनों की तरह लगे। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसने उसे सोते हुए जगा दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना।